हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग देखिए, जैसा कि 11th क्लास का एक फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। बेटा, जो मोल होता है, मोल इज एक नंबर होता है। मोल क्या होता है? मोल इज एक नंबर जिसको 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो टॉपिक का नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं डिस्कस करूंगा आपसे। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि जो यदि हम वन मोल हम लेते हैं, वन मोल का मतलब है बेटा एक नंबर, और एक नंबर का मतलब बेटा क्या होता है पता है आपको? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जिसको बेटा हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसको बेटा Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल क्या है? मोल एक नंबर है। मोल क्या है बेटा? मोल एक नंबर है। तो हमें बात याद रखनी है कि मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इज ए यूनिट। मोल क्या है? मोल को अपन एक यूनिट भी कह सकते हैं। मोल क्या है बेटा? एक यूनिट है। मोल एक यूनिट भी है हमारी। आपने कहा, माना हमने कोई, आपने अब बाजार में आप जाते हैं आम लेने के लिए, आम लेने आप, जैसे कि आपको 1 kg आम लेने तो एक यूनिट है, आपको बनाना लेने तो 1 dozen आपको बनाना लेने होते हैं, तो 1 dozen मतलब कि 12, तो इज ए यूनिट। मोल क्या है बेटा? मोल इज ए यूनिट है। तो हमें याद रखना है मोल की डेफिनेशन। आइए लिखते हैं बेटा आप लोग। मोल्स is an amount of the substance has many species। जैसे आपका एटम हो सकता है, एटम हो सकता है बेटा, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है ना, आइंस हो सकते हैं, एटसेट्रा। इज प्रेजेंट इन कार्बन 12 एटम्स। ठीक है बेटा, मतलब यह है कि मोल्स इज एन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हैज मैनी स्पीसीज। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है बेटा, आइंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटसेट्रा हो सकते हैं। इज प्रेजेंट ऑफ कार्बन 12 एटम्स। हाँ ना बता बेटा। तो इस प्रकार से हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तरीके से बेटा, कि ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट। जैसे बहुत सी बात मैं आपको सिखाने से, कि माना हमारे पास कार्बन है। क्या बेटा? मेरे पास कार्बन है। तो कार्बन का, कार्बन में 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 क्या है? प्रोटॉन है। 6 क्या है? न्यूट्रॉन। माना
ठीक है। अब मेरी बात समझिए, मेरी बात ध्यान दो। आपसे पूछा मास ऑफ कार्बन एटम, तो हमने पढ़ रखा है कि 1. भाई देखो इसका कितना होता है, 12 होता है ना, इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 एंड इसका मल्टीप्लाई आप कर दो किस में बेटा बताइएगा। हम देखो हमारे पास ये भी है और हमारे पास अलग भी मल्टीप्लाई था, तो हम उसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। तो गुणा भाग करते रहेंगे, ग्राम द वैल्यू आ गई इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम, ठीक है बेटा। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 20 वो 12 एएम, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं इस चीज को, मूल कॉन्सेप्ट को। तो ये चीज हम क्योंकि बेटे 9th-10th में आप लोग पढ़ते हैं, तो यहां मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट ले चलूंगा मूल कॉन्सेप्ट सीधा, ठीक है बेटा। लेकिन आप याद रहे, नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए और क्वेश्चन आप नोट करते रहने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना बेटा, ये बात नहीं भूलनी आपको, क्योंकि मैं आपको हर चीज लिखाऊंगा, इसलिए आप हर चीज नोट करेंगे, ठीक है बेटा। फटाफट नोट करिए आप लोग, चलिए वेरी गुड। अब मेरी बात समझिए बेटे आप लोग, ठीक है। देखो बेटा मोल्स निकालने का क्या तरीका है, कि मोल्स का जो कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इससे पहले बात सिखाऊंगा कि जो एवोगैड्रो नंबर है ये कहां से आया है। भाई हमने कहा मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, देखो बेटा मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 आपने पढ़ा भी होगा, 1.992643। अब बताइए इस पर कितना था 10 की पावर, किसी बच्चे को याद हो बताइए बेटा, मुझे कोई भी हो जिसको भी याद हो बता सकता है बच्चा मुझे, फटाक बोलो। -23 ग्राम होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब यदि हम बात करें कि इतने में कितने एटम, वन एटम, तो एक ग्राम में कितने और 12 ग्राम में कितने, समझ में नहीं आया, मेरी बात समझ। आपसे पूछूं कि 1.992643 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम हमें दे रखा है, इसमें उसने एटम पूछे तो वन एटम, बात सही है भाई, सिंपल सी बात है कि इसमें कितना आ गया, वन एटम आ गया। लेकिन वन ग्राम ऑफ ट्वेल्व की हम बात करें, वन ग्राम ऑफ कार्बन 12 कितना होगा, 1.992643 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। पूछा कितने में उसने, 12 ग्राम में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, तो 1.992643 इंटू 10 की पावर -23 11, तो टोटल जो वैल्यू निकल के आती है, हम ध्यान रखेंगे बेटा वो इतनी निकल के आती है, यही बात अपन को ध्यान रखनी है बेटे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू हम निकाल के निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम इसका देख लें किस प्रकार से हम निकाला है एवोगैड्रो नंबर। तो बहुत से बच्चे देखो इसका डायरेक्ट, जब यदि कोई किसी पॉइंट में ना हो तो आप 6 × 10 की पावर 23 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपको न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, मेरा मेन मकसद है आपको न्यूमेरिकल कराना,
तो प्लीज क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे बेटे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ये 11th केमिस्ट्री नीट फाउंडेशन का बैच है, 11th, ठीक है। केमिस्ट्री का बैच है बेटा, याद रखना बेटा ना, और नीट में इसमें कवर कराऊंगा बेटा आपको नीट, ठीक है, याद रखना बेटा। ओके, एज ए फाउंडेशन चलते हैं हम लोग इस बैच को, अपन फाउंडेशन भी कह सकते हैं। देखो ये आ गया 12th, मतलब कि बोर्ड आ गया, ये कॉम्पिटिशन आ गया, ये फाउंडेशन आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो मोल हम निकालते हैं वो कितने स्टेप में मोल हम निकालेंगे, उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं। मैं फॉर्मूला लिखाता रहूंगा और उस पर क्वेश्चन करता रहूंगा, आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, तो मेरी बात ध्यान है बेटा, नोट भी करते रहेंगे आप, चलिएगा। अब आप नोट करेंगे आराम से मेरे तरीके से। देखिए बेटे, सबसे पहली बात है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोल, या हम बात करते हैं ऑफ मोल्स, ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स निकालेंगे बेटा। मेरी बात ध्यान समझना बेटा आप लोग। तो सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप फर्स्ट पढ़ाऊंगा कि मोल कैसे निकालते हैं। इफ इफ मास इज गिवन, यदि आपको किसी का मास दिया गया है और मोल्स पूछा है, ठीक है बेटा, किसी का आपको मास दिया गया है और आपसे मोल्स पूछा है, जो मास निकालते हैं उसी को हम लोग ग्राम एटम मास भी कहते हैं, ग्राम मोलर मास भी कहते हैं। तो वो बेटा वो पढ़ाऊंगा आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैं बोर्ड का पढ़ाऊंगा। इफ मास इज गिवन, यदि मास दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। मेरी बात ध्यान समझना बेटे, इफ मास इज गिवन देन द कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास बाई मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन इक्वल गिवन मास रिप्रेजेंट बाई कैपिटल डब्ल्यू एन एन। ये फॉर्मूला है बेटा मोल्स का। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन की, चलेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन, आप बताओ क्या लूं। चलो आपने क्या लिया, 4 ग्राम ऑफ H2, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन, ठीक है। आइए, आपको इतने ग्राम दे रखा है, मतलब आपको गिवन मास दे रखा है कितना, 4 ग्राम। यदि आपसे मोलर मास निकालें
तो कितना आ गया 2 ग्राम पर मोल। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। तो गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है बेटा, ध्यान दो, गिवन मास कितना है और मोलर मास कितना है, 2 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना है बेटा 2 मोल। हाँ ना, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बात है बेटे। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दे रखा है 8 ग्राम ऑफ लिथियम और आपसे एन पूछा है, आपको गिवन दे रखा कितना 8 ग्राम, मोलर मास होता है इसका लगभग 7 होता है, तो आप लोग ध्यान रखना पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसल, लगभग कितना आ जाएगा 1.11 मोल आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन करते रहेंगे और निकालते रहेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। मेरे पास क्वेश्चन बहुत, टेंशन मत लो, डोंट वरी, सब होगा बढ़िया तरह से, ओके। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं बेटा। फाइंड आउट 180 ग्राम फाइंड आउट मोल ऑफ 180 ग्राम यूरिया। बेटा यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। आपको मोल्स निकाल ले, सबसे पहली बात आपको गिवन मास दे रखा है कितना 180 ग्राम, वेरी गुड, ठीक है बेटा। अपन को मोलर मास निकालना है, मोलर मास ऑफ यूरिया, फॉर्मूला क्या है बेटा NH2CONH2। मुझे तो याद है डायरेक्ट, लेकिन आप निकाल सकते, एन कितना है 7 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 2। तो आप मल्टीप्लाई कर, लगभग 60 आएगा मेरे हिसाब से ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। तो आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला बिल्कुल वही है बेटा जो पहले था, गिवन मास अपॉन बेटे मोलर मास। बच्चे ये हमें दे रखा कितना 180 ग्राम वाई 60 ग्राम पर मोल, ये कट जाएगा इससे, कितना आ गया बेटा बताओ 3 मोल आ गया आंसर। हाँ या ना, बोलो। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। फाइंड आउट मोल ऑफ, कितना लूं बताइए आपके हिसाब से, चलो ले लेता हूं 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। चलिए तो आपको बेटा गिवन मास दे रखा है 4.4 ग्राम दे रखा है, गुड। मोलर मास निकाल लो
टू इंटू सिक्स प्लस एट होता है तो टू इंटू सिक्सटीन आ जाएगा, कितना होगा 44 ग्राम। तो बेटा लगा दो फॉर्मूला एन का, टोटल कितना दिया है 4.4 ग्राम बाई 44 ग्राम। ठीक है, यहां से आप एन निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। 1/10 बोला गया आंसर। ठीक है बेटा, कर लेंगे आसानी से, नोट करिए बेटा आप लोग, और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग नोट करते रहें और समझते रहें बेटा, क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। ठीक है, वेरी गुड, हो गया सब लोग। चलिए जेई मेंस और नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ा रहा हूँ बेटा, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग। अब मेरी बात बताइए, थोड़ा घुमा दूं आपको लिखिए 24 mg ऑफ, चलो 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 mg ऑफ, बोलो क्या ले लो। चलो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। आपने क्या ले लिया, SO2 ले लिया, मान लिया। इसमें आपको देन फाइंड मोल करना है, फाइंड ऑफ मोल्स। mg है, अब इसको ग्राम में बदलना होगा, तो 10 की पावर -3 लगा देंगे अपन, क्योंकि यूनिट आपने पढ़ रखी है, मेरे हिसाब से तो पढ़नी चाहिए आपको यूनिट, नहीं पढ़ रखी, पढ़ रखी होंगी। सबसे पहली बात क्या है, गिवन मास होगा मेरे बच्चे कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है बेटा, मोलर मास अब निकाल लेंगे, मोलर मास निकालने के लिए कितना है भाई, एस 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 कितना आ गया 64 ग्राम, हाँ ना, बोलो बेटा। और एन निकालने के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, -3 ग्राम बाई 64 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल। अब इसको यहां देख लेना आराम से आप लोग, जो इसका आंसर आए वो है लिख लेना बेटा मोल्स में, जो भी इसका आंसर आए बेटा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर या फाइंड आउट, फाइंड आउट मोल्स इन 1.6 केजी ऑफ CO2। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो राजा बेटा आपको गिवन मास दे रखा है, कितना है केजी को ग्राम में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वेरी गुड वेरी गुड। मोलर मास CO2 का लगभग कितना होता बताओ, 44 ग्राम। ठीक है, यहां से अपन को एन निकालना है, तो गिवन मास वाई मोलर मास, आप बताइए इसका आंसर आपके हिसाब से कितना आना चाहिए प्लीज। आइए, कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर 3/44 ग्राम पर मोल।
अब जो भी इसका आंसर है आप यहां पर लिख लेना। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप कर सकते हैं या नहीं बेटे, जल्दी बोलो फटाफट। पहले फॉर्मूला आप सवाल कर लेंगे आसानी से बेटा, और जो भी देखो बेटा, पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको एक सीट भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो सीट भी आप सॉल्व करेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं एक दिन मैं उनको सॉल्व भी कराऊंगा, आपको नीट के क्वेश्चनों को सॉल्व भी करूंगा बेटा, टेंशन ना ले। पहले मैं पढ़ा दूं फिर बेटा मैं सॉल्व भी करूंगा आपके लिए। सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे 11th क्लास से, क्योंकि बेटा देखो जानते हो पूरे भारत में लॉकडाउन है, तो बेटा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहें मेरे कहने से। आई रिक्वेस्ट बेटा मेरे बच्चों, आप नोट्स बनाते रहें तरीके से, है ना। 11th में मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री और 12th में पढ़ाऊंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा चलेगा पैरेलल, फिजिकल चलेगा 11th में और ऑर्गेनिक चलेगा 12th क्लास में। ठीक है बेटा, तो आप करते रहें कंटिन्यू। ओके बेटा, नोट करिएगा, चलिए वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा मोड़ करता हूं मैं कि अपन मास कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड आउट ऑफ मास, मास अपन कैसे फाइंड करेंगे ये भी एक बात है। घबराए नहीं, मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट के जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब लिखाऊंगा बेटा एक तरफ से, डोंट वरी। तो हमको मास फाइंड करना होता है तो हमको मोल्स देंगे भाई। किसी भी मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करने से पहले, जिसे मोल नहीं दिया गया है, सबसे पहले आप मोल फाइंड कर लो। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने पढ़ा था गिवन मास वाई मोलर मास। ठीक है बेटे, मेरी बात समझना, कि n बराबर हमने पढ़ा था w बाई m, हमें क्या फाइंड करना है, मास। जो मास फाइंड करना है मतलब कि w फाइंड करना है, तो मोल का मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास में। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि W बराबर N इंटू एम, तो ये हमारे पास मास निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे बेटा। तो इस प्रकार से अपन मास भी निकाल सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। मोल्स अपन को दिया गया होगा, मास निकालना है, मतलब कि जैसे अपन क्वेश्चन देते हैं फाइंड आउट ऑफ मास इन 4 मोल ऑफ NH3। माना आपसे पूछा है कि 4 मोल ऑफ NH3 का मैं मास कैलकुलेट करना है, मास निकालना। तो अपन को सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स दिए कितना बेटा, 4 मोल। ठीक है, मोलर मास आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं। मोलर मास कितना है NH3 का, 17 ग्राम आएगा बेटा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, निकालना क्या है अपन को बेटा, मास निकालना है, गिवन मास। आई निकालते भाई, हमें n बराबर फॉर्मूला क्या है, w बाई एम
एन दे रखा है 4, ये निकालना है, ये दे रखा है 17, तो ये आ गया 68 ग्राम। हाँ या ना बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटे? भाई फाइंड आउट ऑफ मास इन 4 मोल ऑफ NH3 बेटे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखा है? 4, 4 मोल दे रखा है, मोलर मास निकाल लेंगे, 17 ग्राम पर मोल है बेटा, मास निकालना है, एन का वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू में निकालना है, एन का वैल्यू पुट कर देना है, 68 ग्राम। हाँ या ना बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस प्रकार से अपन मास निकालेंगे, अभी और कराऊंगा, पर ये कर लो नोट, नोट कर लिया? चलिए, डोंट वरी बेटा, मैं सवाल बहुत कराता हूं, बस मेरी आदत क्वेश्चन कराना है, ठीक है? चलिए, अब आपको निकालना है 0.25 मोल इन, आप कोई मर्जी, आप जो आपको लेना वो ले लो। चलो आइए आगे करते हैं कि फाइंड आउट ऑफ मास इन 0.25 ग्राम ऑफ, क्या लू बताओ, जो मर्जी ले लू। चलो मैं तो हीलियम ले लेता हूं भाई, मेरे तो मन कर रहा है कि मैं हीलियम ले लेता हूं, ठीक है? अब बताइए बेटा, आपको मोल्स कितने हैं? 0.25 मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, मतलब एन दे रखा है, ठीक है, मोलर मास अपन निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना बेटा? 4 ग्राम, ठीक है, तो मास तो निकालना है अपन को, बहुत सिंपल सवाल करो तो कराम बड़ पड़े, तो एन बराबर डब्ल्यू बाई एन, एन का वैल्यू दे रखा है अपन को कितना बेटा? 0.25, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सर, बराबर, वेरी गुड सर, ये निकालना है सर, ये 4 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 1 ग्राम आ जाएगा आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आगे देखिए बेटा, बेटा क्वेश्चन कर दो ना, एंट्री एंट्री झूठ तो नहीं बोले आप लोग, पक्का है बेटा? चलो एक और लिखो बेटा, अपन फाइंड आउट ऑफ मास इन 5 मोल ऑफ CO2, तो एन का नंबर दे लेगा कितना? 5 मोल, एम निकाल लेंगे 44 ग्राम, ठीक, सिंपल था, इसको निकाल लो, एन इंटू एम, 5 × 4 कितना आ रहा बेटा? 0। हाँ ना बोलो आंसर, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। चलो एक सवाल लिख लो आप, करो क्वेश्चन नंबर अगला, ट्वेंटी मोल ऑफ SO2 निकालिए, और लिखिए फाइंड आउट ऑफ 16 मोल या 1.6 मोल ऑफ हीलियम, ठीक है, ये बोल करो,
फाइंड आउट ऑफ CH4। ये क्वेश्चन आप करने बेटा समझ लीजिएगा, आपको ये थोड़ा होमवर्क दीजिए मैंने आप करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं जैसे जैसे नीचे से लेकर ऊपर जाऊंगा, ये सिंपल, फिर और हार्ड, फिर और हार्ड, फिर और हार्ड। मतलब है कि मैं आपको जीरो लेवल से लेके IIT चले जाऊंगा इन मोल कॉन्सेप्ट में। लेक्चर मेरा 30 मिनट का होगा पहला, मैं आपको लेक्चर बांटूंगा इसके 1 by 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। डोंट वरी, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर इतना नेट तो है नहीं कि हम एक घंटे के लिए वीडियो लोड करते हैं। हम 30 मिनट की लोड करेंगे लेक्चर वाइज, और आप उसे आप पढ़ेंगे तरीके से। बेटा पहली बात आप नोट करेंगे क्वेश्चन वगैरह करते रहेंगे, ठीक है, इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे किसी प्रकार की। ये हो गया हमारा पहला टाइप मोल्स निकालना का, मोल्स कैसे निकालते हैं, और हम मोल्स में सीख गए हाथ निकालना, और आपका मास भी सीख के निकालना कि मास किस प्रकार से निकालते हैं। अब अपन पढ़ाएंगे स्टेप नंबर 2, नोट करिए आप लोग ना। चलिए अब अगली बात करते हैं सेकंड स्टेप की, कि जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 इसकी बात करेंगे आपसे। इसमें क्या है कि हमको पार्टिकल दिया जाएगा। अब पार्टिकल में एटम हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं गिवन पार्टिकल। मेरी बात समझ रहे हैं ना बेटा आपको? हाँ, तो उसमें हमें गिवन पार्टिकल दिया जाएगा, है ना। तो इफ गिवन पार्टिकल, यदि हमको पार्टिकल दिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो किस प्रकार से निकालेंगे ये थोड़ा हमें सीखना है। और ये बात इंपॉर्टेंट भी है कि आपको पता है कि वन मोल की जो हमारे पास, सब पता है कि वन मोल वो कितने पर होता, बताओ बोलो, 6.023 × 10³ होता है, ये हम सब जानते हैं। अब इतने में भी प्रेजेंट है, इतने में कितना, मतलब वही तरीका है 9th-10th का जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, इतने में इतना, इतने में कितना, तो वही तरीका है। मेरे पास इतना है, देखो वही तरीका जो मैंने पहले पढ़ा रखा है ना, बिल्कुल जो पहले स्टेप में मैंने आपको लिखा रखा था, वहां एटम था, यहां पर मोल है, कितना, वन मोल। अरे इसका उल्टा ही तो किया है मैंने, और तो उसने किया ना। लेकिन सवाल ये है, इसमें देखो आप जब 9th-10th में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कहते नहीं इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें कितना, इसमें इतना, तो इसी प्रकार से थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहां हम यूज करते हैं बेटा। उसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, कि उसमें घबराए नहीं, हम कैसे करते हैं मैथमेटिक्स यूज, इनमें हम देखते हैं कि हम यूज कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से। तो मेरी बात समझिएगा कि यदि हम लोग वन की हम बात करें, वन की बात करें, मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, वन की। तो वन के मतलब क्या हुआ हमारे पास, बताओ, वन का मतलब हुआ कि 1 by 6.2 × 10³ कितना आ जाएगा, बताओ क्या ऐसे है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ है ना, बोलो यार क्या ये चीज पॉसिबल थी, हो गया सर, नहीं हुआ, हो गया वो, चेक कर लो, है ना बेटा। तो 23 आ गया, पूछा कितने में, उसने n में पूछा है, n में ny कितना, यही तो सवाल निकालेंगे अपन, चेक कर लो भाई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन निकालते हैं, कहीं गलती नहीं करते बेटे। मतलब यह है, यदि हमको इसका फॉर्मूला क्या है कि अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो बेटे गिवन पार्टिकल वाई, इसको बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एन ए, मतलब है कि एवोगैड्रो नंबर, मतलब है कि n बराबर n y n a, हाँ ना, बोलो
ये आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस अपन को याद ये फॉर्मूला रखना है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये स्टेप नंबर टू है, ये स्टेप नंबर टू है कि यहां से हम किस प्रकार से मोल निकालते हैं किसी कंपाउंड का, किसी क्वेश्चन का, तो किसी पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का या आयंस के लिए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा किसी के लिए भी, तो इस फॉर्मूले से हम सवाल करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नोट करिएगा, फिर शुरू करते हैं आगे, ठीक है बेटा। चलिए, मेरी वीडियो आपको स्काई हाइट्स क्लास में मिलेंगी, वहां पढ़ सकते हैं, स्काई हाइट्स क्लासेस अलीगढ़ आप देख चेक कर सकते हैं, वहां मेरी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो हमें क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, कि अपन को अलग अलग चीज दी गई है, मतलब है आपको किसी आयंस दिए गए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिए गए होंगे, तो ये हमें निकालनी है। तो आज मेरा पहला लेक्चर यहाँ खत्म होता है और अगली वीडियो में मैं आपको स्टेप नंबर टू के कराऊंगा न्यूमेरिकल, जितने भी होंगे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। आज की मेरा पहला वीडियो थोड़ा 30 मिनट का है, लेकिन अगला वीडियो मेरा कम से कम 50 मिनट का आएगा, इसमें आपको थ्योरी भी लिखाऊंगा बोर्ड पे और क्वेश्चन भी कराऊंगा बेटे। बस याद रहे आप मेरा चैनल करें सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल करते रहिए सब्सक्राइब, और आप और जो दोस्त हैं आपके, जो भी साथी लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं नीट और आईआईटी जेई की, उनको आप बता सकते हैं उनकी प्रॉब्लम। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो प्लीज मेरे सेंड करें और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे, अब मैं अगला लेक्चर स्टेप नंबर टू पढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, तो अगला स्टेप पढ़ेंगे बेटा, उसके क्वेश्चन करते रहेंगे अपन बुक के और आगे चलेंगे। थैंक यू बेटा, आगे मिलते हैं, ओके।